के लईकवा गावत असन का गावत असन रामानंद इतना बात तो कोनो लड़की कह ले तब लड़कवा जवाब देता का तेरी पतली कमर तेरी तिरछी नजर हम लड़की कहत आजकल के लड़कवा गावत सन तेरी पतली कमर तेरी तिरछी नजर उद्घाटन में आज कर देता हूँ यादव जी का देता हूँ चुमा चपक के लेता हूँ यादव जी का बहुत अच्छे भैया तमाम आप लोगन हमारी आवाज में बिरहा सुनला लोगन हम ओम प्रकाश सिंह यादव एन पूरी पार्टी बक्सर बिहार आप जितने भोजपुरिया भाई हैं बिरहा लोकगीत सुनने वाले हम तहे दिल से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत वंदन करता हूं। तमाम बिरहा आप लोग सुनलन हमारी आवाज में और बड़ा सम्मान मिलल आप लोगन से कांड रामायण महाभारत तमाम तरह के बिरहा के अंदर कहानी आप लोगन के हम सुनावे के प्रयास कैली। एक और महाभारत से गाना आप लोगन के बीच में हम रखत बानी परोसत बानी हमके उम्मीद ना आशा पूरा बा कि जरूर आप लोग की गाना पसंद आई है। कांड तब बहुत सुन ली सबे ई महाभारत का प्रसंग बा कहाँ से प्रसंग महाभारत के उठावल गल तो लड़ते कुरुक्षेत्र मैदान मैं करो पांडव सीना तान किया अपमान भीष्म का दुर्योधन बेईमान महाभारत की लड़ाई चल रही है एक तरफ कौरव हैं तो दूसरे तरफ पांडव एक तरफ धर्म है तो एक तरफ अधर्म पांडव धर्म की लड़ाई लड़ रहे थे और कौरव अधर्म की लड़ाई लड़ रहे थे। इसी बीच एक रोज एक घटना घटी है बाबू शंखानंद हुआ सूर्यास्त हो गया लड़ाई खत्म हुई सभी लोग अपने अपने शिविर में आ गए। दुर्योधन बड़ा चिंतित है चिंता इस बात की है कि पांडवों के तरफ से एक भी नहीं मरा रहे हैं और हम कौरवों के तरफ से रोज जवान मारे जा रहे हैं। बात क्या है
अचानक शिविर में भीष्म दादा की नजर पड़ी है दुर्योधन पर। बोल पड़े कि दुर्योधन, बड़ी चिंतित लगते हो, बात क्या है? दुर्योधन बोला कि दादा, मेरे साथ धोखा हो रहा है और अपने लोग ही मेरे साथ मिलकर धोखा कर रहे हैं। भीष्म दादा बोले कि तेरे ही लोग? कौन तेरे लोग तेरे साथ धोखा कर रहे हैं? दुर्योधन बोला कि आप ही मेरे साथ धोखा कर रहे हैं। कौरवों के तरफ से रोज वीर मारे जा रहे हैं, पांडवों के तरफ से एक भी वीर नहीं मरा रहे हैं, और आप लोग महारथी हैं लड़ाई के, हमको लग रहा है कि आप लोग पांडवों से मिले हैं, इसीलिए मेरे वीर मारे जा रहे हैं। अरे बाप रे बाप, जब इतना बात भीष्म दादा सुने तैस में आ गए रोंगटे खड़े, खून खोलने लगा, ललकार करके दुर्योधन से एक बात बोलते हैं। बोला कि कान खोल करके सुन लो दुर्योधन, है गंगा सुवन नाम मेरा सुनो, शांतनु सुत समर में कहर ढाऊंगा, पांच बाणों से पांडव को मारूंगा मैं, या स्वयं रण में मैं कल ही मर जाऊंगा। सुन के ऐलान भगवान भी डर गए, दान में बाण को मांग ली द्रौपदी, ध्यान आया तो माया ए मोहन की थी, भंग तेरी प्रतिज्ञा करूंगा अभी। भीष्म दादा कहते हैं कि दुर्योधन, मेरे ऊपर तेरे मन में खोट है, शंका कर लिया? अरे तू कैसे ये शंका कर लिया कि मैं पांडवों से मिला हूं? तेरे मन में ये बात कैसे आई? अगर ये बात है तो कल ही लड़ाई महाभारत की खत्म हो जाएगी। पांच बाण निकाल लिए भीष्म दादा और बोल पड़े कि देख दुर्योधन, इन पांचों बाणों से कल पांचों पांडवों को मार दूंगा, महाभारत की लड़ाई खत्म हो जाएगी। अरे बाप रे बाप, प्रतिज्ञा कर लिए भीष्म दादा, कहल जला कि बंदूक से निकलल गोली और मुंह से निकलल बोली कभी वापस ना हो खेला। हलचल मच गया कि कल भीष्म दादा पांचों पांडवों को मार देंगे। ये खबर पहुंची मुरली मनोहर माधव कन्हैया के पास। अरे बाप, जब ये खबर पहुंची कि भीष्म दादा पांच बाण निकाल चुके हैं, कल पांचों पांडवों को मारने के लिए प्रतिज्ञा किए हैं, एक बार माधव मुरली धर कन्हैया का भी कलेजा कांप गया। कहा, सोचने लगे कृष्ण की अब क्या होगा, अरे मैंने तो कुंती को वरदान दिया है कि महाभारत की लड़ाई खत्म होगी और जिस तरह से तेरे पांचों बेटों को मैं ले जा रहा हूं महाभारत की लड़ाई कराने के लिए, फिर सुरक्षित तेरे पांचों बेटों को तुम्हें सुपुर्द कर दूंगा, मेरा वचन का क्या होगा? और भीष्म दादा इधर प्रतिज्ञा कर लिए कि कल पांचों पांडवों को मार देंगे। भगवान कृष्ण सोच रहे हैं, तुरंत द्रौपदी को बुलाए, बोले कि द्रौपदी कल अनर्थ होने वाला है और इसे मैं भी नहीं रोक सकता। हाथ जोड़कर द्रौपदी बोली कि भैया बात क्या है? बोल पड़े सारी बात बताए मुरली मनोहर कन्हैया द्रौपदी को। द्रौपदी कहती है कि भैया अब क्या होगा? भगवान कृष्ण बोले कि एक उपाय है, तुम कल ठीक 4 बजे भोर में
जब ही दादा उठेंगे, जगेंगे अपने शिविर में, तुम घूंघट लटकाई जाकर सामने खड़ी होकर दादा का पैर पकड़ना, बाबा प्रणाम करना। जरूर वो कुछ बोलेंगे, और जब कुछ बोलेंगे तो इसी बीच तुम पांचों बाण को मांग लेना दादा से, मैं दरवाजे पर खड़ा रहूंगा। कृष्ण लेकर के गए 4 बजे भोर में शिविर के अंदर, जहां भीष्म दादा थे। भीष्म दादा जगते हैं, जब ही जग करके खड़ा हुए नित्य क्रिया करने के लिए, सामने द्रौपदी घूंघट लटका करके खड़ी हो गई, जा करके भीष्म दादा का पैर छूती है। भीष्म दादा बोल पड़े, सौभाग्यवती, बोल पड़े कि मतलब तू हमेशा सौभाग्यवती रहो, बाबा अखंड सौभाग्यवती, बा तुम हमेशा सुहागन रहो, दादा के मुंह से निकल गया भीष्म दादा के। और जब ये शब्द भीष्म दादा के जबान से निकली तो घूंघट हटाती है द्रौपदी। वो तो ये समझ करके भीष्म दादा अखंड सौभाग्यवती बोल पड़े कि शायद कल शाम को दुर्योधन से कुछ बात हुई थी, वो माफी मांगने के लिए, हो सकता है कि दुर्योधन की पत्नी आई हो, ये दुर्योधन की पत्नी है। लेकिन जब द्रौपदी अपनी घूंघट हटाती है, अवाक, भीष्म दादा अवाक हो गए, बोल पड़ी द्रौपदी की, दादा एक तरफ आप वरदान देते हैं कि अखंड सौभाग्यवती, और एक तरफ मेरे पति को मारने के लिए आप वचनबद्ध हो चुके हैं, कल 5 बाण निकाल चुके हैं कि पांचों पांडवों को मार दूंगा। समझते देर नहीं लगी भीष्म दादा की, बोले कि द्रौपदी जाओ, तुम चाहती क्या हो। द्रौपदी बोल पड़ी कि दादा 5 बाण मुझे दे दीजिए, वचनबद्ध हो चुके थे भीष्म दादा, और 5 बाण दे दिए। लेकिन बोल पड़े कि द्रौपदी इसके पीछे राज है, और राज करने वाला कौन है, बगैर कृष्ण का ये राज कोई नहीं कर सकता है। तब तक भगवान कृष्ण दरवाजे पर ही खड़ा थे, जा करके सामने खड़ा हो गए। भीष्म दादा बोले कि ठीक है कृष्ण, तूने मेरा प्रतिज्ञा तो भंग करवा दिया, लेकिन तेरी भी प्रतिज्ञा मैं भंग करवाऊंगा, ये मेरा वचन है। दूसरी दिन लड़ाई शुरू होती है। बाबू, एक तरफ कौरव दल, एक तरफ पांडव दल, आज लड़ाई का नेतृत्व भीष्म दादा कर रहे हैं कौरवों के तरफ से। अर्जुन को देखते ही ललकार करके भीष्म दादा अर्जुन को बोलते हैं, और कृष्ण को ललकारते हैं। का कृष्ण के ललकार के कहलन है, कि मर्दाई तोहरो देखबु जंग में, अब मर्दाई तोहरो देखबु जंग में, कितना दूध पियवले बाड़ी जसोदा माई, कितना दूध पियवले बाड़ी जसोदा माई, मर्दाई तोहरो देखबु जंग में, दादा अर्जुन के रथ के ऊपर बाण चलाने लगे, हाहाकार मच गया। अर्जुन को पता ही नहीं चलता था कि किधर से बाण आ रहा है। अरे भीष्म दादा इतना बाण मारे, इतना बाण मारे अर्जुन के रथ के ऊपर कि इनका अर्जुन का रथ छत बिछत होने लगा। तब कवि जी भाव लिखलन है का, वो है तरज बा, का तरज का लाइन बा, Thank you.
सुंदर हमरे बिरहा का लाइन दिहल गई कि बीच समरिया में बिरहा पला करिया दादा चलावे लगल बानावा भारी मचवल तू आनावा अर्जुन जी तबाह हो गए। आ जब अर्जुन जी तबाह हो गईलन भकचक्का रह गईलन केहर से बाण आवत बा अर्जुन का रथ छत बिछत होखे लगल। ओ समय अर्जुन एकदम नतमस्तक होके और भगवान कृष्ण से पूछत हुवन का कहत हुवन अंतरा के लाइन में कहे अर्जुन जी कैसे करब हम लड़ैया करी हम लड़ैया कुछ समझ में न आवे चावल तू अरे बाप रे बाप एतनी बाण चलौलन की अर्जुन आ कृष्ण दुनहुन तबाह हो गईलन। अर्जुन जी हाथ जोड़ के भगवान कृष्ण के सामने खड़ा हूँ कहत हुवन कि महाराज अब कुछ समझ में आवत ना हो चारों ओर तिकवत है के हर से बाण आके लगत हो हमें समझ में नहीं आवत हो कौन उपाय लगावा जान बचावा। भगवान कृष्ण समझ गए दादा भीष्म के खौफनाक भयानक चेहरा को अपने अंतरात्मा से देखते हैं और अंत में इतने गुस्सा हो गए भगवान कृष्ण इतने गुस्सा में आ गए कि रथ से उतर करके अपने अंगुली में चक्र सुदर्शन धारण कर लिए और चक्र सुदर्शन धारण करके चल पड़े भीष्म दादा को मारने के लिए। नतीजा निकला का यहाँ एक लाइन तर्ज दिहल गई तनी बढ़ के द मास्टर वह तरज बा का तरज कलाइन बा मेहरारू गावलिन कहीं कहीं मेहरारू गई हन गाजीपुर जिला के तारा जिला के गई हन ए पाना तारा जिला के मेहरारू गावलिन का गावलिन गेहूं आके बाल ले गए सुगना अरे गेहूं आके बाल ले गए सुगना बलमा मोरा पूरी के तरसे
बलिया जिला में आ जीब। बलिया जिला में लोग गावलिन कहा गई हन, बलिया जिला के लोग गई हन कि खाड़ रहो मुरली वाली, खाड़ रहो मुरली वाले गगरिया घरे धैले आई, आ यही गीत का हमरे बिहार के मेहरारू खास तौर से भभुआ जिला कैमूर का ओहर चल जीब तो ओहर के मेहरारू गई हन कि तर नरिया रवा के पारी, तर नरिया रवा के पारी ऊपर श्याम गेना लगाया, लेकिन भगवान कृष्ण जब चक्र सुदर्शन उठा लिए और चल पड़े, उस समय कवि को लिखना पड़ा क्या कि चक्र सुदर्शन उठाई, अरे चक्र सुदर्शन उठाई समर में चले जदुराई, भगवान कृष्ण के भीष्म दादा देखलन, आए हाय 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 हाय, भगवान के क्रोधा रूप देख के भीष्म दादा अपनी धनुष बाण रख करके और दोनों हाथ जोड़ लिए, बड़ी प्रेम से प्रणाम करते हैं, बोल पड़े कि बस प्रभु हो गया, जिस तरह से आप हमारी प्रतिज्ञा को तोड़वा दिए उसी तरह से आज लड़ाई के मैदान में मैं आपकी प्रतिज्ञा को तोड़वा दिया, क्यों कि आपने कहा था कि मैं लड़ाई के मैदान में किसी के तरफ से रहूंगा, चाहे कौरव के तरफ से चाहे पांडव के तरफ से, लेकिन मैं अपना हथियार नहीं उठाऊंगा, आप अपना प्रतिज्ञा तोड़ दिए, मैं यही चाहता था, दोनों हाथ जोड़ लिए, और जब इतनी बात दोनों हाथ जोड़ करके भीष्म दादा कहते हैं, भगवान कृष्ण लज्जित हो गए, अपने रथ अपने चक्र सुदर्शन को हटाए, लेकिन हुआ क्या, दादा कहे मन मोरिया क्या, टूट गई आज तुहरी प्रतिज्ञा, तबले सिखंडी गई ले आई, तबले सिखंडी गई ले आई समर में चले जदुराई, आज वे भगवान कृष्ण हटलन पीछे के तरफ लज्जित होके चक्र सुदर्शन हटा के, भगवान कृष्ण के पिछवा सिखंडी खाड़ रहे, भगवान कृष्ण के आगे होई के और सामने भीष्म दादा के सामने जाके लागल ललकार के कहे, और ललकारत हो शिखंडी भीष्म दादा के, का ललकार के कहले बा, देख शिखंडी को दादा, शिखंडी को दादा धरती पैर कले धनुषा बाण, कम बना लो वक्त यही है अर्जुन से बोले भगवान, ललकारत बा शिखंडी और ललकार रहा है भीष्म दादा, जब ये औरत का चेहरा देखे सामने शिखंडी को देखे जो कि न मर्द में ही था न औरत में ही भरपूर, जब शिखंडी को देखे भीष्म दादा धनुष बाण उठाना चाहे लेकिन चाहते हुए भी धनुष बाण नहीं उठाए,
मैं, क्योंकि उनकी प्रतिज्ञा थी भीष्म दादा की कि मैं औरतों के ऊपर बाण नहीं चलाऊंगा। भगवान कृष्ण अर्जुन के चिटकारत हवन की अब का देखला। अर्जुन कहलन की मतलब कलन के रे मतलब बाद में पूछी हा। धनुष उठाओ अर्जुन, बाण चलाओ भीष्म दादा पर। यही वक्त है, यही समय है कि तुम भीष्म दादा को मार सकते हो, नहीं तो दुनिया का कोई ऐसा वीर नहीं है जो भीष्म दादा को मार सके। हाथों में धनुष बाण रहते हुए अर्जुन थम गए, अवाक हो गए, बोले कि प्रभु, अरे आप ही ने नियम बनाया कि निहत्था पर बाण नहीं चलाएंगे। भीष्म दादा धनुष बाण रख चुके हैं, हाथ में नहीं लिए हैं, मैं निहत्था भीष्म दादा के ऊपर बाण कैसे चलाऊं। आज अर्जुन भगवान से कहत हूं उनका, निहत्था पर वार करूं तो, निहत्था पर वार करूं तो कायरता की है पहचान। तब कृष्ण भगवान समझावो थे उनका कि बाण करहते इनके हाथ में, बाण करहते इनके हाथ में, अरे बारन पई है सकल जहान। गांडी उठा के बाण चलावो, गांडी उठा के बाण चलावो, अर्जुन से बोले भगवान। आखिरकार भगवान कृष्ण के कहने से अर्जुन धनुष बाण उठा लिए और इतनी बाण चलाए। धनुष बाण लेकर के अर्जुन इतना बाण चलाए कि भीष्म दादा के शरीर एकदम छत बिछत होने लगा। पूरे शरीर में बाण लगा है, भीष्म दादा रथ के नीचे गिर जाते हैं। और जब गिर गए, तब गिरने के बाद अर्जुन और कृष्ण, अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि प्रभु, जो करना था वो तो मैं कर दिया, लेकिन कम से कम भीष्म दादा हम लोगों के अग्रसर थे और मैं चाहता हूं कि अंततो गत्वा अंतिम वक्त में मैं जा करके भीष्म दादा से मिलूं और पूछूं कि दादा, मैंने तो बाण चलाया आप पर, आप मरने वाले हैं, आपकी अंतिम इच्छा क्या है। भगवान कृष्ण कन्हैया रोक नहीं पाए, बोले कि ठीक है अर्जुन, चलो चल करके भीष्म दादा से मिलो। आखिर जाते हैं अर्जुन जी, और अर्जुन जाते हैं तो देखते हैं कि पूरे शरीर में बाण से छलनी छलनी शरीर हो चुका था, पूरे शरीर में बाण लगा है और भीष्म दादा गिरे हुए हैं, सर लटका हुआ है। कहते हैं जा करके हाथ जोड़ करके कि दादा, लड़ाई के मैदान में मैंने आपके साथ सही किया या गलत किया ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन आप मरने वाले हैं दादा, और मैं अर्जुन आपके खेला खिलाया बच्चा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है जो मैं अपने हाथों से पूरा कर सकूँ। बाबा भीष्म दादा कराह रहे हैं, हंसते हैं, कहते हैं कि शरीर में बाण धसा है, गिरे हैं धरती पर, कहते हैं कि अर्जुन तुम मेरी अंतिम इच्छा पूरा करना चाहते हो, मेरी अंतिम इच्छा पूरा करना चाहते हो तो सुनो। भीष्म दादा एक बात कहते हैं अर्जुन से, क्या? यहां एक लाइन तर्जबा, का तर्जबा? यह तरजबा।
मगर गीत से सुंदर हमर गाना को भाव दिहल गई। गाना थोड़ा सीरियस मूड का हो तो ऐसे तर्ज गावल ठीक ना बा, है तनी बात समझला। भीषम दादा कराहत हुअन, अर्जुन सामने खड़ा हुअन हाथ जोड़ के, और भीषम दादा कहलन कि अर्जुन तू मेरी अंतिम इच्छा पूरा करना चाहते हो? सुनो, लड़ाई के मैदान में कोई किसी का दोस्त नहीं होता, सब दुश्मन होता है आमने सामने। लेकिन सुनो, अगर तुम अंतिम इच्छा पूरा करना चाहते हो तो एक ही बात का दुख है। किस बात का दुख है? बनवा चला यदि हला, बनवा चला यदि हला, बचावा बूढ़ाइया में। बनवा भगवान कृष्ण एक तरफ खड़े हैं, एक तरफ अर्जुन खड़े हैं, और भीष्म दादा कहते हैं कि दुख तो जरूर है अर्जुन, लड़ाई के मैदान में अगर तू सामने आकर के लड़ा होता तो दुख नहीं होता, लेकिन शिखंडी का आड़ लेकर के और तू मेरे ऊपर बाण चलाया, दुख तो जरूर है लेकिन कोई बात नहीं है। लड़ाई के मैदान में कोई किसी का दोस्त और कोई किसी का हित नहीं होता। अंतिम इच्छा पूरा करना चाहते हो अर्जुन, तो मेरी अंतिम इच्छा यही है, और मैं ये भी जानता हूं कि तेरे अलावा मेरा कोई अंतिम इच्छा पूरा भी नहीं कर सकता। जब मेरी अंतिम इच्छा पूरा करोगे तो तुम ही कर सकते हो, तो सुनो मेरी अंतिम इच्छा क्या है। भीष्म दादा बाण की सैया पर पड़े हुए हैं, बाणों की सैया पर पड़े हुए हैं और कहते हैं क्या? अंतिम इच्छा हमके बाण पर सुताई दा, मुझे अंतिम इच्छा पूरा करना चाहते हो अर्जुन तो उठाओ धनुष और अपना बाण। मैं चाहता हूं कि महाभारत की लड़ाई मैं पूरी देख करके मरूं, और इसके पहले तुम बाण इतना चलाओ कि मेरा तकिया और बिछौना बाण ही होए, मेरा सेज बाण का ही हो, मेरे सर पर बाण चलाओ ताकि वो बाण तकिए का काम करे, नीचे से बाण मारो ताकि वो बाण बिछौना का काम करे। यही मेरी अंतिम इच्छा है, और ये मेरी अंतिम इच्छा पूरा कर देना। और एक बात और सुनो, मैं उसी बाण की सेज पर सो करके महाभारत की लड़ाई देखना चाहता हूँ, मेरी अंतिम इच्छा पूरा कर देना। और एक बात याद रखना, कौन सी बात? सबराज छिपल यही कुंवरा कन्हैया में, बतावत हूँ भीष्म दादा, सबराज छुपल यही कुंवरा कन्हैया में, बनवा चलाए दिहला बचवा बुढ़ैया में, बनवा चलाए अरे सबराज छिपल यही
कुआरा छुपल यही कुआरा कन्हैया में बनवा चलाए दिहला बचवा बुढ़ैया में यही अंतिम इच्छा के रूप में बोले और बोले कि अर्जुन ध्यान रखना, ये जितनी महाभारत की लड़ाई हो रही है, ये जो महाभारत की लड़ाई हो रही है, ये महाभारत की लड़ाई कोई और नहीं बल्कि तेरा साथ रहने वाला ये मुरली मनोहर कन्हैया, यही सब मालिक है और यही ये जानता है, ये नंद का छोरा जानता है कि नहीं ये महाभारत की लड़ाई होनी है और इस लड़ाई में कौन विजेता होगा, इसको तो सब कुछ पता है। बाबा बताते हैं अंतिम इच्छा अर्जुन पूरा करते हैं भीष्म दादा का, नतीजा निकला क्या बाबू? और बढ़ जा। देखा मास्टर हम चढ़ी ला तो जल्दी उतरी ला ना। मास्टर के जिंदगी लेवा। चुप, हारमोनियम के रीट पर चढ़े के कहते हैं। और बढ़ जा, और बढ़ जा। ये बात सुत का देखल न लड़ैया लड़ाई में नतीजा क्या निकला कि विजयी पता का पांडव के लहरैला भैया आखिरकार पांडवों का विजय पताका लहराया, कौरव हार गए लेकिन जब विजय पताका पांडवों का लहराया तो अंततो गत्वा हस्तिनापुरी के ऊपर हुआ क्या कि धर्मराज राजा बनल हस्तिनापुरी के कृष्ण मुरारी के भैले जय जयकारी उसी समय जब जीत गए पांडव तो हस्तिनापुरी का राजा आप धर्मराज को बनाया गया, जिसे महाभारत के अंदर युधिष्ठिर के नाम से
वो प्रसिद्ध हैं। पांडवों के सबसे बड़ा भाई धर्मराज युधिष्ठिर वही राजगद्दी पर बैठे। और जब ये देख लिए भीष्म दादा अंततो गत्वा कि हमारा हस्तिनापुरी सुरक्षित है, धर्मियों के हाथ में गया, पांडवों की जीत हुई, धर्मराज आज राजगद्दी पर बैठ गया, तब उनको संतोष हो गया। और इच्छा मृत्यु जो थी पिता के अनुसार, जो उनके पिताजी शांतनु वरदान दिए थे कि तुम्हारी इच्छा मृत्यु होगी, जब चाहोगे तभी मरोगे, आखिरकार जब संतोष हो गया, उनकी इच्छा पूर्ति हो गई, अंततो गत्वा इस दुनिया को छोड़ करके और अपना शरीर नश्वर शरीर को भीष्म दादा त्याग दिए। गाने के अंतिम लाइन में कहना पड़ा क्या कि दाख सुरक्षित हस्तिनापुरी का, दाख सुरक्षित हस्तिनापुरी का, अब मिटल सोकवाप, इच्छा मृत्यु पाके दादा गईले स्वर्ग लोकवा। अंतिम लाइन रहल जय जखाण गुरु जद्दू लौटन मितवा अवध बिहारी, कथन करे कवि अनुज लाल सुभाष की तैयारी, अरे मर्दाई तोहरो देख भुजंग में अनुज ओम प्रकाश की नई नई कविताई, मर्दाई तोहरो देख भुजंग में।